स्टूडेंट्स, जो सेकेंड एप्लीकेशन इसकी है वो है हमारी इंकजेट प्रिंटर। स्टूडेंट्स, इसके लिए आप ये डायग्राम बस समझ लें और एक्सिनोग्राफी की निस्बत ज़्यादा आसान ये एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स, इंकजेट प्रिंटर भी सेम एक ऐसी ही डिवाइस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज हासिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंक। बट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ कि जो एक्सिनोग्राफी है उसका जो प्रिंसिपल है, यानी कि हमने वहाँ पे काम क्या किया है, तो उसको, उस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, कि हमने चार्जेस को क्या किया था, इंडक्शन मेथड से जो है वो ट्रांसफ़र किया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये होता है कि देखिए, अगर आप डायग्राम को सबसे पहले बॉटम में आपको नज़र आ रही है इंक सप्लाई, यानी कि वो जगह जहाँ पे इंक स्टोर होगी। अब बाकी अगर आप कंपोनेंट्स देखें स्टूडेंट्स, तो वो हैं सारे ऊपर। तो ये इंक सप्लाई लो पोटेंशियल पे पड़ी हुई है, ठीक है, नीचे पड़ी हुई है, जबकि जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो ऊपर हैं। तो आपको इस इंक को लो से हाई की तरफ लेके जाना होगा। तो ऐसा करने के लिए हमें दरमियान में क्या लगाना पड़ता है स्टूडेंट्स, एक पंप लगाना पड़ता है। ये पंप क्या करेगा, इस इंक को इसमें से सर्व करके वो पहुंचाएगा कहां तक, हमारी नोजल तक। स्टूडेंट्स, यहां पे जो नोजल होती है इसमें से हम लोग इंक जो है, स्टूडेंट्स देखें, यहां से जो इंक ऊपर जाती है वो बल्क की फॉर्म में होती है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा जो है वो तादाद में होती है। अब उस इंक को हम लोग सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं ड्रॉप्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक नोजल इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, जो कि सेम परफ्यूम बोतल की तरह की होती है। अब इसमें से एक सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स, एक सेकंड के अंदर 4000 ड्रॉपलेट्स जो है वो निकल सकते हैं। एक सेकंड में 4000 ड्रॉपलेट्स निकल सकते हैं। तो यहाँ से वो इंक जो है वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में स्टूडेंट्स आगे जाएगी। इसके बाद सबसे मेजर काम है हमारे पास चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का। और स्टूडेंट्स, जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं उसको आप देखें, नीचे हमने लिखा हुआ है चार्जिंग कंट्रोल। स्टूडेंट्स, ये जो चार्जिंग कंट्रोल है उसके नीचे आपको नीचे एक वर्ड नज़र आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम कंप्यूटर। यानी कि स्टूडेंट्स, यहाँ पे मौजूद होता है एक नीचे पीसी, एक कंप्यूटर मौजूद होगा। वो कंप्यूटर सबसे पहले कमांड देगा चार्जिंग कंट्रोल को। ये चार्जिंग कंट्रोल हमारे उन चार्जिंग इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, कंट्रोल। स्टूडेंट्स, दो पार्ट आप बना लें इसको समझने के। ए पार्ट स्टूडेंट्स, ये है चार्जिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ से जो इंक आ रही है स्टूडेंट्स, ये न्यूट्रल इंक होती है, याद रखिएगा, जो इंक नोजल से आती है ये एक न्यूट्रल इंक होती है। अगर हम चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ये कमांड दे दें कि वो इस न्यूट्रल इंक को चार्ज कर दें, तो जब ये इंक इसमें से पास होगी तो स्टूडेंट्स, ये इंक आइदर पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज इंक हो जाएगी। ठीक है, तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स का काम ये है कि जो नोजल से न्यूट्रल इंक आ रही होती है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनाती है। इसके बाद जब ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंक आगे जाएगी, तो आगे मौजूद होती हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। स्टूडेंट्स, क्या मौजूद होती हैं, डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने रास्ते से हटा देना। तो स्टूडेंट्स, इन डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा और जो लोअर प्लेट है उस पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट्स देखें, अब ये पॉजिटिव चार्ज इंक अगर आगे जा रही है और आगे मौजूद है हमारे पास ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स, अगर उन पर इस तरह ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेयर करेगा और नेगेटिव को, ये जो पॉजिटिव है, ये जो नेगेटिव है, यानी पॉजिटिव को अटैक करेंगे तो रिपल्शन और यहाँ से अट्रैक्शन। तो ये पॉजिटिव चार्ज आगे जाने की बजाय इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा और नीचे यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने वो जगह रखी होती है जहाँ पे हम इस इंक को दोबारा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है,
तो वो इंक बजाय पेपर के ऊपर, जो सामने पेपर आपको नजर आ रहा है उसके ऊपर गिरने के, वो उस वेस्ट बॉक्स के अंदर गिर जाती है। तो स्टूडेंट्स फिर से दोबारा से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। देखें, इंक सप्लाई से इंक भेजी जाएगी, पंप की मदद से इसको भेजा जाएगा नोजल में, नोजल उसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करेगा। ये जो ड्रॉप्स होंगे ये होंगे न्यूट्रल। अब इनको हम गुजारेंगे चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड इस न्यूट्रल इंक को पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज बनाएंगे। जब ये काम हो जाएगा तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इंक आगे जाएगी तो आगे मौजूद होती हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स जिनपे ऑलरेडी चार्जिंग मौजूद होते हैं, तो वो इस चार्ज इंक को अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स लगा के अपने रस्से से हटा देंगे और पेपर पे नहीं गिरने देंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम लोग इस इंक को, जो नोजल से इंक आई थी, अगर हम इसको इसी तरह न्यूट्रल रहने दें, यानी कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड से कोई कमांड ना दें, ये उसी तरह की न्यूट्रल इंक ही आगे चली जाए। अब ये न्यूट्रल इंक है क्योंकि हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड से कोई कमांड ही नहीं दी, अब ये न्यूट्रल इंक आगे जा रही है। जब ये पहुंचेगी डिफ्लेक्शन प्लेट्स में तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स इस न्यूट्रल इंक पे तो कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे, तो अगर ये फोर्स नहीं लगा पाएंगे तो ये न्यूट्रल इंक सीधी जाके किस पे टकरा जाएगी, आगे मौजूद जो हमारा स्वेट्स पेपर है और वहां पे अपना एक इंप्रेशन बना दे। तो स्टूडेंट इसको भी आप एक लम्हे के लिए रीड कर लें, ठीक है। देखें फ्रेंड्स, ये देखें, इंजेक्ट प्रिंटर यूजेस इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स वर्किंग, द इंक इज फोर्स्ड आउट ऑफ अ स्मॉल नोजल। इंक को हम फोर्स करते हैं कि वो किस में से निकले, एक स्मॉल नोजल में से, एंड ब्रेक्स अप इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स, और ये इतने ही बहुत सारे स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग देयर फ्लाइट, जब ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, द ड्रॉपलेट्स पास थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ड्रॉपलेट्स दो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में से पास करते हैं, एक है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और एक है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू चार्ज द इंक। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स चार्ज करते हैं उस इंक ड्रॉपलेट्स को दैट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर, जिनकी हमें पेपर पे ज़रूरत नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब चार्ज हो जाएंगे तो उन पर फोर्स लग जाएगी और वो तो वेस्ट बॉक्स के अंदर गिर जाएंगे, ठीक है, वो पेपर में नहीं गिरेंगे। द चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स आर डिफ्लेक्टेड इन टू द क्लोज सर्फेस बाय द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, यानी कि जो चार्ज इंक है उसको तो हम डिफ्लेक्ट करवा देते हैं इसमें एक क्लोज सर्फेस में। नेक्स्ट एक दो लाइन्स और हैं। द अनचार्ज इंक स्टूडेंट्स, अनचार्ज इंक ड्रॉपलेट्स पास थ्रू डिफ्लेक्शन प्लेट्स। अगर वो न्यूट्रल हैं, अनचार्ज हैं, तो डिफ्लेक्शन प्लेट्स में जब पास करेंगे देन स्ट्राइक द पेपर, तो पेपर को स्ट्राइक करेंगे। व्हेन द प्रिंट हेड मूव्स ओवर द पेपर विच इज टू बी इंक्ड, द चार्जिंग कंट्रोल टर्न्स ऑफ द चार्जिंग इलेक्ट्रोड। स्टूडेंट इस तरह हम लोग जो है वो मटेरियल को चार्ज करते हैं। स्टूडेंट इसी के एमसीक्यू देख लें। स्टूडेंट सबसे पहले फोटोकॉपियर एंड इंकजेट प्रिंटर किसकी एप्लीकेशंस हैं, तो स्टूडेंट्स ये एप्लीकेशन है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, ठीक है, जो चैप्टर हमारा। उसके बाद एक्सियोग्राफी का मतलब आपको समझा दिया, राइटिंग कौन सी राइटिंग, ड्राई राइटिंग। एल्युमिनियम इज एन एक्सीलेंट, तो स्टूडेंट एल्युमिनियम कौन है, एक एक्सीलेंट कंडक्टर है। सिलीनियम इज अ कंडक्टर, फोर्थ एमसीक्यू, सिलीनियम इज अ कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू, सिलीनियम कंडक्टर बन जाता है जब हम उसको किसके सामने लेके आते हैं, लाइट के। फिफ्थ एमसीक्यू स्टूडेंट्स, सिलीनियम इज एन फोटो कंडक्टर। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द फोटोकॉपियर इज नोन एज हार्ट ऑफ मशीन, फोटोकॉपी मशीन यानी कि जीरोग्राफी के अंदर हम लोग किसको हार्ट ऑफ मशीन बोलते हैं, स्टूडेंट ड्रम को बोलते हैं। सेवन्थ, इन इंकजेट प्रिंटर द ड्रॉपलेट्स आर पास थ्रू, इंकजेट प्रिंटर में हम ड्रॉपलेट्स को किस में से पास करते हैं, स्टूडेंट्स बी ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों ही सही हैं, इसलिए जो लास्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है जिसमें दोनों को उसने मेंशन किया है वो हमारा सही है। एट्थ में देखें स्टूडेंट्स,
inkjet printer, the charged ink droplets are diverted by the deflection plates. तो इंकजेट प्रिंटर में जो चार्ज इंक होती है वो किसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है? डिफ्लेक्शन प्लेट्स की वजह से. तो स्टूडेंट्स उसको हम रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, बी ऑप्शन टूवर्ड्स दी गटर. ठीक. तो स्टूडेंट्स ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आए तो ये स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, बट ये लॉन्ग क्वेश्चन है अभी तक नहीं पूछा गया. तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लाजमी तैयार करें, इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बनते हैं.